कहते हैं कि ग्रामीण आवाम अपनी मूलभूत समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन झांसी के एक चुने हुए प्रतिनिधि से ही ग्रामीण आवाम इतनी दुखी है कि अब की बार उन्होंने वोट न डालने का पक्का मन बना लिया है। आपको बता दें कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सांसद ने जिस गांव को गोद लिया था और इस गांव की समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन समस्याएं तो दूर नहीं हुई बल्कि नई समस्याएं और खड़ी हो गई हैं। ग्रामीणों ने मीडिया के कैमरे के सामने बात करते हुए अपना दुख भी जताया और अपनी दास्तान सुनाई। जिस तरह देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है वैसे ही बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जीतने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ बात झांसी के जनपद के सरवा गांव में हुई है। इस गांव का बीड़ा वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा ने तब उठाया था जब इस गांव को उन्होंने गोद लिया था और दीवारों पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया था कि हर घर की शान स्वच्छता से गांव की पहचान। तस्वीरों में देखिए कितनी स्वच्छता है इस गाँव में कि जो खुद बयां कर रही है, और गाँव की स्वच्छता चीख चीख कर कह रही है, गाँव की सड़कों पर पड़ी गंदगी खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि कोई तो मुझे उठा लो। आइए सुनाते हैं आपको ग्रामीणों की जुबानी उनकी कहानी। ये साहब के अब झोपड़ी डरी आपके सामने और इसी में माँ बाप, हम मतलब माँ हैं, हम अकेले हैं बस, और इसमें कोई छाया नहीं है। बरसात आती है तो हम भीग जाते हैं, लोग गल्ला दूसरे के में रखे हैं भीगने के बाद। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास वाली योजना चल रही थी, इसमें आपका नहीं कुछ हुआ क्या? नहीं साहब, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला आपको आवास? क्या पता नहीं साहब हमें क्यों नहीं मिला। क्या आपने पूछा तो क्या बताया? हाँ साहब, हमसे कुछ उसने पूछा नहीं, हम क्या बता दें। फार्म आया तो ले गया, वो बस चला गया, फिर वापस भी नहीं आया, ना उन्हें कुछ बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे पता नहीं, पर मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, काफ़ी जब से आया हूँ, जब से बहुत बार आ चुका हूँ, रास्ता ऐसी ही दिखती है। शादी के बाद आया हूँ, टैक्सी से आया हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने में। अभी देखो सर में लग गई है, मेरी मम्मी की भी लगी है यहाँ रास्ते में निकलने में, टेम्पू से दचकों की वजह से। ये गड्ढे बहुत हैं इसमें, ऐसा नहीं कि यही रोड हो, पूरे गाँव में यही हाल है। सब कट चुकी है महाराज, हमें सब कछु की है, सब कछु पैसा है। हाँ, पैसा टकन की है कि कोई बच्चा दे नहीं है इस, हम इसमें समस्या सबसे अधिक पानी पीने की है, पीने की सबसे अधिक समस्या है, क्योंकि जितने अभी जो नल अभी आए हैं वो केवल 100% दिखाई दे रहे हैं, पानी तो आ नहीं रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी परेशानी हमारे गांव में है तो किसानों के लिए कृषि के पानी की है, क्योंकि उनके पास पानी ना होने के कारण ना तो वे खेती कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ की बुंदेलखंड की मिट्टी कंकड़ी तो वैसे ही है। मुख्य समस्या में देखे पानी है और जो मतलब जो कॉलोनी आ रही सबकी, तो आ जाए कि आवास आ जाए तो अच्छी बात है, बच्चे तो मदद कर दे। सांसद ने संपूर्ण विकास इस गाँव में किया है, यह तस्वीरों में देखिए कि सड़कें भी खुद बोल रही हैं कि कोई तो हमारे गड्ढों को भर दो, लेकिन सांसद के कानों में तो जूं तक नहीं रेंग रही, और ना ही इस गांव की सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। जो चुनाव नज़दीक आता है तो कहते हैं कि राजनीति में सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं और वोट लेने के लिए दुश्मन भी दोस्त बनाए जाते हैं, लेकिन गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले सांसद की सच्चाई तो तब उजागर हुई जब मीडियाकर्मी स्वयं इस गाँव में पहुँचे और ज़मीनी हकीकत जानी। इसको आप खुद देख कर खुद सुन सकते हैं कि इस गांव में कौन सा विकास की धारा बह रही है। पूरे 5 साल में यहाँ यही विकास हुआ है कि जो पहले खराब था वो और खराब हो रहा है।